हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं जो एस्टीमेट ऑरेकल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये पावर केबल कहां से आया हुआ है और ये कहां पे इन होगा, कहां से आउट होगा और वो कहां कहां पे जाता है, कौन कौन से एस्टीमेट में जाता है, उसके बारे में एक हमारे साथ इलेक्ट्रीशियन है जो हमको इसके बारे में आज बताने वाले हैं, पूरे काम के बारे में बताने वाले हैं कि किस काम को किस तरह से किया जाता है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट ये आता रहता है कि इलेक्ट्रिकल के बारे में, एस्टीमेट के बारे में कुछ बताइए। तो आज का वीडियो एस्टीमेट से जुड़े कुछ काम के बारे में है, जैसे कि AJB का नाम है 6AJB01। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6AJB01 ये सीरियल नंबर हो गया, कुछ जेबी का है। और इसमें देखिए सर, जैसे कि ये आया हुआ है हमारा एक मेन लाइन, ये शायद आया हुआ है, ये क्या है? ये कंट्रोल रूम से केबल आया है। ये कंट्रोल रूम से केबल आया हुआ है ना? ये कंट्रोल केबल है जी, यहाँ पर आया है कंट्रोल केबल। अच्छा, जैसे कि एक बात बताइए सर, ये इस पे कुछ मार्किंग लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, कुछ मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब है HP पैनल का नाम है। पैनल का नाम HP है। HP AMC रूम से आया है। AMC रूम 403 पैनल नेम है। पैनल नेम है, पैनल का नेम है जी। ये वो पैनल से केबल आया, ये कनेक्शन आया है सीधा यहाँ पे ग्लाइंड करके, है ना? ग्लाइंड आपने किया है ना? हाँ, ग्लाइंड हमने किए हैं एक तरीका से जी। NPT ग्लाइंड है, NPT ग्लाइंड है ना, थ्रेड वाला जी। इसमें ये वायर भी होता है इसमें जी, केवल में आर्मर होता है, उसी आर्मर के सहारे ये ग्लाइंड को रोका जाता है ना, ग्लाइंड को रोका जाता है। चलिए, अभी ये कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये सीधे जेबी में गया, जेबी से यहाँ से आउट हुआ है, इन हुआ है जेबी के अंदर में, और ये सारा केवल जो है इसमें आ रहा है। अभी केवल के बारे में सर बताएंगे जो क्या क्या ये केवल, मतलब ये फेरुल सब नेम क्या है, क्या इसका काम है? अब ये केवल का ये मेन अर्थिंग केवल हो गया, ये अर्थ दिया जाएगा यहाँ पे, ये अर्थिंग का सब वो है, ये बॉडी अर्थ हो गया, बॉडी अर्थ हो गया जी। अब ये केवल आया है, जैसे मेरा वन पेयर का ये फर्स्ट ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच मतलब ये वन पेयर का केवल है ना? ये वन पेयर, ये 12 पेयर का केवल है। अच्छा, इसमें 12 मतलब ये केवल है ना, 12 को इंस्ट्रूमेंट इससे चल सकता है, 12 इंस्ट्रूमेंट इससे चल सकता है, 12 पेयर का केवल का मतलब 12 इंस्ट्रूमेंट चल सकता है। हाँ, अब ये फर्स्ट पेयर हो गया जी, ये वन पेयर, ई वन पेयर देखिए यहाँ लिखा हुआ है पी टी 301 जी। अभी ये पैनल का नेम इधर दिया हुआ है जी, तो ये हम इसे पीटी चलाएंगे। अब इधर हमारा एक केबल आएगा, हाँ, वन पेयर का, हाँ, इंस्ट्रूमेंट का बताता है। हाँ, तो जैसे कि ये हमारा केबल का आ गया यहाँ से, अब हम ब्रांचिंग केबल डालेंगे, अब यहाँ से ब्रांचिंग केबल डाला जाएगा। हाँ, ब्रांचिंग का मतलब क्या, थोड़ा हमको ब्रांचिंग केबल हो गया, ब्रांच मतलब छोटा केबल डालाएगा, इंस्ट्रूमेंट केबल हो गया, इंस्ट्रूमेंट केबल हो गया ब्रांचिंग केबल। यहाँ ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ये टैंक है जी, टैंक में मेरा पीटी लगेगा, ये दिया हुआ है जी, इसमें पीटी लगेगा, तो अब यहाँ पे हमारा ब्रांचिंग केबल यहाँ डालाएगा। टैंक है और उसमें वो पीटी का पॉइंट लगा हुआ है, वहाँ पर पीटी लगेगा, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पीटी प्रेशर ट्रांसमीटर जिसे कहा जाता है वही लगेगा वहाँ पे, और उसी का, हाँ, उसी का कनेक्शन इस डीबी से जाएगा। और पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रेशर ट्रांसमीटर, जो प्रेशर को डिकेटर करके बताता है इस टैंक में कितना प्रेशर होना चाहिए और कितना प्रेशर है, उसके बारे में पीटी बताता है। तो उसी का कनेक्शन इस जेबी से होगा। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट केबल जब आएगा इधर जी, ब्रांचिंग वाला जी, तो हमें यहाँ वन पेयर का केबल आएगा, वन पेयर का पीटी सिर्फ चलता है वन पेयर का केबल पे जी। तो अब हम यहाँ पर कनेक्शन 1-2 दिया हुआ है जी, यहाँ पर 1-2 कनेक्शन करेंगे, यहाँ हमारा पीटी चालू हो जाएगा जी। ये ग्राउंड अर्थिंग के लिए दिया गया है, इसे नहीं देंगे तब कोई दिक्कत नहीं है मेरा जी। इसका शील्ड बोला जाता है, शील्ड बोला जाता है, जो ग्रीन कलर का वायर है उसको शील्ड बोला जाता है। अभी ग्रीन शेड्यूल डाले हैं जी, और इसके साथ इसके किया है बॉडी अर्थ के लिए, जो अर्थ हमने दे वहाँ पीटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये बॉडी अर्थ से पीटी के में भी प्रॉब्लम नहीं होता है ना, मतलब यहाँ से अर्थ पीटी का भी मिलेगा। हाँ जी, इसलिए दिया, ये नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन ये सेफ्टी के लिए अर्थ दिया जाता है, जरूरी होता है इसलिए। जैसे पीटी हो गया, ETT हो गया जी, XB हो गया, ये अब स्पेयर मेरा सब केवल स्पेयर है जी, स्पेयर में है सब ये। हाँ, ये सब यूज नहीं है। अच्छा, ये भी सब यूज नहीं है? नहीं, मेरा ये 2-3 यूज है, बाकी सब मेरा स्पेयर है, स्पेयर में है जी। मतलब जहाँ जितना इंस्ट्रूमेंट हमको चलाना है, हाँ, इधर से इसका आउट लेकर के, आउटलाइन लेकर के इंस्ट्रूमेंट में चला सकते हैं। अब इसके करंट के बारे में बताएं कि इसमें कितना वोल्टेज करंट आएगा और इंस्ट्रूमेंट का करंट कितना होना चाहिए। इसमें वोल्टेज 24 वोल्ट खत जाएगा, बस सिर्फ मात्र 24 वोल्ट आएगा, है ना? इसमें करंट नहीं आता है, ये चालू रहेगा फिर भी खोल के हम इसमें टच कर सकते हैं, हमारा कोई शॉर्ट नहीं लगेगा स्क्रीन में जी। ये DC करंट आता है। सवाल और है, जैसे कि आपने बोला ये DC करंट है, तो DC करंट का मतलब, या एक और मैं करंट AC सुना हूँ, AC और DC में क्या फर्क होता है? DC होता है जो कट के आता है, AC डायरेक्ट
सीधा करंट जाता है, उसमें ज्यादा शॉर्ट लगने का कारण होता है। जो डीसी है वो सीधा डायरेक्ट करंट हो गया है, एसी डायरेक्ट करंट हो गया जिसमें शॉर्ट ज्यादा लगने का कारण होता है ना। और एसी जो बोल रहे हैं एसी करंट इसमें आएगा या डीसी आएगा? उसमें डीसी आएगा। मतलब और बेसिकली मैं मतलब एक आसान भाषा में बताइए कि एसी और डीसी का जो सप्लाई है किस तरह से जाता है, जैसे कुछ उदाहरण दे करके। जैसे कि डीसी मतलब ये मेरा तार है जी। अब एसी का मतलब हो गया एसी सीधा इसमें जाएगा। अच्छा, एसी सीधा जाएगा, सीधा करंट जाएगा जी। डीसी का मतलब है सांप के टेढ़ा कट कट के, मतलब नहीं। अच्छा, जैसे सांप चलता है टेढ़ फेड़ करके वैसे डीसी जाता है, वैसा कट के चलता है। अच्छा, वो सीधा शॉर्ट नहीं जाता है। ओके ओके जी, बहुत काफ़ी जानकारी अच्छा दे दी है आपने। और एक सवाल और है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये जेबी में एक ही पावर गेज, जबकि यहाँ पे ग्लाइंट अनेक है, ग्लाइंट का पॉइंट बहुत सारा है, लेकिन एक ही अभी ग्लाइंट एक ही वायर यहाँ पे आया हुआ है, बाकी ये सब किस लिए है, इसमें क्या आने वाला है या फिर ऐसे ही, मतलब क्या इसके बारे में? आएगा ये इंस्ट्रूमेंट केबल आएगा। अच्छा, जो मतलब कि यहाँ से जो आउट जाएगा पावर हमारा इंस्ट्रूमेंट में, उसके लिए ये है। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट चला इसमें जितना केबल ले सकते हैं, मेरा यहाँ 12-24 चला सकते हैं जी। तो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट आएगा इधर। अच्छा, ये मेन केबल आया है, मेन केबल आया इधर से, इंस्ट्रूमेंट का केबल निकलेगा है ना, ये मेन केबल गया है और इंस्ट्रूमेंट का केबल इधर से निकलेगा, जहाँ जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमको लगाना है वहाँ वहाँ पे लगेगा।